नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मजेदार रेसिपी लेकर हैप्पी सॉल्ट। आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो देखने में शानदार और खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा सेहतमंद है। पोषण से भरपूर काले चनों से बनने वाली ये डिश बहुत ही कम तेल में तैयार हो जाती है और पूरी तरह से ग्लूटेन फ्री है। प्रोटीन से भरपूर इस डिश को आप सुबह के नाश्ते या फिर लंच में सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं सैलड रोल्स की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले एक कप काले चने अच्छी तरह धोकर 3 से 4 कप पानी में 6 से 8 घंटों के लिए भिगो देंगे। भीगे हुए चनों में ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर 2 से 3 हरी मिर्चें और 1 इंच पीस अदरक का डालेंगे और सभी चीज़ों को पीसकर पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें 1/2 कप या ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर थोड़ा सा पतला बैटर बना लेंगे। इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अच्छी तरह मिला लेंगे। इस बैटर को अलग रख लेंगे। सैलड बनाने के लिए 1.5 से 2 कप बारीक कटी हुई या कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी लेंगे, साथ ही लेंगे 2 मीडियम साइज के पतले पतले कटे हुए प्याज। इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच नींबू का रस या एप्पल साइडर विनेगर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च और सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सैलड तैयार है, इसे अलग रख लेंगे। अब लेंगे 200 ग्राम पनीर। पनीर ऑप्शनल है, आप बिना पनीर के भी रोल्स बना सकते हैं। पनीर को थोड़े से चौड़े पतले लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे। पनीर पकाने के लिए तवा हल्का गर्म करेंगे और उस पर 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। नॉनस्टिक तवे पर आप बिना तेल लगाए भी पनीर पका सकते हैं। अब इस पर पनीर के स्लाइसेस अरेंज कर देंगे और इन्हें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पका लेंगे। इसी तरह सारा पनीर पकाकर अलग रख लेंगे। आप चाहें तो पनीर कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बनाएंगे सैलड रोल्स के लिए ड्रेसिंग। 4 से 5 बड़े चम्मच गाढ़ा पानी निकाला हुआ दही लेंगे, साथ ही लेंगे 1/2 कप कद्दूकस की हुई ककड़ी। ककड़ी को निचोड़कर इसका सारा पानी निकाल देंगे और ककड़ी दही में डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच पुदीने के सूखे पत्ते लेंगे और उन्हें हाथों से अच्छी तरह मसलकर दही में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ड्रेसिंग तैयार है। काले चनों का जो बैटर हमने बनाया था उसका पूड़ा या चीला बनाने के लिए तवा हल्का गर्म करेंगे और उस पर लगभग 1/2 कप बैटर कड़छी से फैला देंगे। चीला थोड़ा पतला ही रखें, अगर चीला मोटा होगा तो रोल बनाते वक्त टूट जाएगा। चीले के किनारों पर 1 छोटा चम्मच तेल छोड़ देंगे और इसे लो से मीडियम आंच पर लगभग 2 मिनट तक पकने देंगे। मैं लोहे के तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे नॉनस्टिक तवे पर भी बना सकते हैं। चीले के नीचे तवे था घुमाकर इसे तवे से अलग कर लेंगे और हल्के हाथों से पलट देंगे। चीले के दूसरी तरफ भी किनारों पर लगभग 1 छोटा चम्मच तेल छोड़ देंगे और इसे लो से मीडियम आंच पर हल्के हाथों से दबाते हुए लगभग 1 मिनट तक पका लेंगे। चीले को फिर से पलट देंगे। चीला बिल्कुल तैयार है, इसे गैस से उतार लेंगे। इसी तरह बाकी के सारे चीले बना लेंगे और उन्हें पूरी तरह ठंडा होने देंगे। अगर गर्म चीलों से रोल्स बनाएंगे तो रोल्स टूट जाएंगे। सभी चीजें तैयार हैं, अब रोल्स बनाते हैं। 1 चीले पर लेटिस का पत्ता लगाएंगे। लेटिस की जगह आप पालक का पत्ता या पत्ता गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्ता लगाने से रोल ढीला नहीं पड़ेगा। उस पर हरी चटनी की 1 लेयर लगाएंगे। हरी चटनी के ऊपर टमाटर के कुछ स्लाइसेस रखेंगे। ककड़ी के कुछ स्लाइसेस लगाकर ऊपर से चाट मसाला या नमक मिर्च डालेंगे। अब हमने जो पत्ता गोभी और प्याज का सैलड बनाया था उसकी 1 लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर पनीर के कुछ पीसेस रखकर फिर से चाट मसाला या नमक मिर्च डालेंगे। पनीर के पीसेस के ऊपर 2-3 चम्मच दही की ड्रेसिंग लगाएंगे और चीले को रोल कर देंगे। ड्रेसिंग की वजह से चीले के किनारे चिपक जाएंगे। आप इसे रोल करने के लिए फूड रैपिंग पेपर या एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सैलड रोल्स तैयार हैं, इन्हें तुरंत सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।